एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी मॉम। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है। मेरे को 4 मंथ्स हो गए हैं यूट्यूब पे एंड मेरे साथ में काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। दे कीप ऑन आस्किंग मी, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो मैं बनाऊँ अपने बारे में। बट सीरियसली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता अपने बारे में क्या, आप कैसे क्या बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ निधि और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे अब 4 मंथ्स हो चुके हैं यूट्यूब पे। आई एम मैरिड, आई हैव अ डॉटर, 3 साल की है मेरी बेटी, उसका नाम आरती है। एंड माय हस्बैंड, हिज नेम इज़ कपिल शर्मा एंड ही इज़ इन आईटी, ही इज़ वर्किंग इन आईटी और हम यहाँ कनाडा में रहते हैं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, वैसे मैं इंडिया से ही हूँ, आप लोग बहुत पूछते हैं इस बारे में। तो यस, आई एम फ्रॉम इंडिया। हम यहाँ पे इसलिए रह रहे हैं बिकॉज मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं। हाउसवाइफ हूँ और पहले मैं शादी से पहले आई वॉज वर्किंग, मैं आईटी में जॉब करती थी और शादी के बाद में मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे यहाँ कनाडा आना पड़ा। आई एम हैप्पी टू बी अ हाउसवाइफ, आई एंजॉय दिस फेज ऑफ माय लाइफ। अभी तो बच्ची भी है मेरे पास, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और उसके बारे में ही पूरा हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, हमारी पूरा दिन ही उसके पीछे पीछे निकल जाता है, उसी के बारे में सोचना, उसी के फ्यूचर के बारे में हम प्लान करते हैं। तो मेरा जो चैनल है वो बस मेरी इस छोटी सी जिंदगी, मेरी इस लाइफ के बारे में ही है। मेरे को इंडियन त्योहारों में, मुझे दिवाली बहुत पसंद है, पटाखे पसंद नहीं है पर मुझे दिवाली बहुत पसंद है। अभी क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप कनाडा या यूएस में भी रहते हैं तो आई थिंक यू लव क्रिसमस, दैट क्रिसमस स्पिरिट एवरीवेयर, क्रिसमस ट्रीज और क्रिसमस मूवीज, कुकीज़ और मतलब सब कुछ, इतना फेस्टिव होता है। आई रियली इन्जॉय इट। इंडिया में तो हम इतना क्रिसमस नहीं मनाते थे बट या मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ तो हमारे स्कूल में सेलिब्रेट करते थे, तो मुझे बहुत मज़ा आता था क्रिसमस सेलिब्रेट करने में। स्कूल में भी हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते थे और स्कूल में कोई ना कोई फंक्शन होता था। मेरा फेवरेट हीरो सलमान खान है, तो वो तो शायद आपको पता चली गया होगा, मैं बिग बॉस सिर्फ इसीलिए देखती हूँ सलमान की वजह से। खुद से अपने बारे में ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बारे में क्या बताऊँ क्या नहीं। तो एक काम किया जा सकता है कि आप इसी वीडियो के नीचे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं मेरे बारे में, मुझसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप इसमें नीचे कमेंट कर दें और मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। और हो सके तो प्लीज़ क्वेश्चन के साथ अपना नाम भी बताएं जिससे कि मुझे पता रहे कि किसने सवाल पूछा है और मैं आपका नाम ले सकूं। तो प्लीज़ अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें और मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और सेम वीडियो में मैं सोच रही हूँ कि एक गिव अवे करूँ, ये मेरे चैनल का फर्स्ट गिव अवे होगा बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर्स के होने की खुशी में मैं सोच रही हूँ कि एक गिव अवे किया जाए। तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस पूछिए और मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूँ, ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये जो चैनल जो मैंने स्टार्ट किया एक तरीके से, नाउ इट इज़ माय फैमिली, यू आर अ पार्ट ऑफ इट और मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊँ अपने बारे में, आपका पूरा हक है जानने का। तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। और दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, पहली चीज़ तो ये कि मैंने यूट्यूब क्यों ज्वाइन किया। तो वो ऐसा है कि पहले तो मैंने कभी यूट्यूब नहीं देखती थी। शादी के बाद में व्हेन आई केम हेयर कनाडा में, जब मैं आई तो मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था। तब मेरे पास मेरी बेटी भी नहीं थी, शी वॉज़ नॉट बॉर्न। तो उस टाइम पे ऐसे कभी कभी मन होता है ना कि कुछ अलग डिफरेंट बनाओ, तो तब मैं सोचती थी कुछ डिफरेंट बनाया जाए। इसलिए मैं यूट्यूब पे बहुत सारे कुकिंग चैनल्स थे तो उस पर देख कर मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती थी। तो बस इतना ही मैंने देखा, उससे ज़्यादा मैं यूट्यूब नहीं देखती थी। और फिर बाद में थोड़ा बहुत ब्यूटी चैनल्स मैंने देखने शुरू करे क्योंकि उससे मतलब शादी से पहले तो कोई मेकअप ऐसा करते नहीं है और मेरी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पेरेंट्स में, स्पेशली मेरे फादर, ही वॉज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो मेरी मम्मी भी कभी मेकअप नहीं करती थी तो मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी मेकअप की। तो जब शादी के बाद तो थोड़ा रहता है कि थोड़ा सा मेकअप किया जाए, तो मैंने शुरू किया थोड़ा यूट्यूब पे देखना कि क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगता था, एक बहुत ही एक मेरे को लगता है जैसे मैं बोल भी चुकी हूँ कि एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, किसी को कुछ आता है तो वो अपना सिखा सकता है। उस टाइम पर फिर मैंने थोड़ा बहुत मेकअप सीखा थोड़ा यूट्यूब पे देख कर। मुझे बहुत अच्छे से मेकअप करना नहीं आता है, वो आपको देख के अभी वीडियो में पता चल ही गया होगा। मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ और इतने अच्छे से भी नहीं करती हूँ।
पर मुझे हाँ अच्छा लगता है और जो लोग करते हैं आई रियली बिलीव कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल आर्ट. एवरी वन इज नॉट ब्लेस्ड विद गुड फीचर्स और गुड स्किन, लेकिन मेकअप एक ऐसी चीज़ है आपका पूरा लुक चेंज कर देता है. और इट्स नॉट बैड कि अगर आप मेकअप करते हैं, इट इज़ गुड. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर आप अच्छे से रेडी हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी स्किन के साथ में. द वे यू लुक, आप अगर कॉन्फिडेंट होते हैं तो वो आपके चेहरे पे दिखता है. पर वो कभी कभी मैं देखती थी, ऐसा नहीं कि रोज़ ही देख रही हूँ. 2014 में मेरी बेटी का जन्म हुआ, तो उस टाइम पे मैंने यूट्यूब एक्चुअल में देखना शुरू किया और बहुत सारे व्लॉग्स. उससे पहले मुझे नहीं पता था कि व्लॉग होते क्या हैं, डे इन लाइफ वीडियोस क्या होते हैं. बट जब वो पैदा हुई तो उस टाइम पे मुझे एक्चुअल में पता चला कि ये सब इस तरह के चैनल होते हैं और मुझे देखने में बहुत मज़ा आता था. जो फर्स्ट चैनल मैंने बहुत अच्छे से देखा था वो था आई लव बींग अ मॉमी. मुझे अब तो बहुत कम टाइम मिलता है लेकिन जब भी मिलता है मैं ज़रूर देखती हूँ. एंड शी इज़ अ ग्रेट मदर. उसके दो बच्चे हैं एंड वन इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट ऑफ माई डॉटर्स एज. और नाउ अगेन शी इज़ प्रेगनेंट और आई लव हर चैनल. तो उसमें वो अपनी डेली वीडियोज़ और अपनी लाइफ के बारे में दिखाती है. उस टाइम पे जब मैंने वीडियोज़ देखना स्टार्ट किया, मैं 2014-2015 की बात कर रही हूँ, तो तब मुझे इंडियन इस तरीके से ब्यूटी चैनल्स थे, इंडियन कुकिंग चैनल्स थे, लेकिन इंडियन मुझे व्लॉग्स इतने देखने को, जो डे इन अ लाइफ व्लॉग्स वगैरह होते हैं वो मुझे नहीं इतने दिखे. तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा अजीब लगता था, मतलब मेरा मन करता था मेरे को इंडियन चैनल्स इस तरीके से देखने का. धीरे धीरे अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे चैनल्स इंडियन चैनल्स आ चुके हैं एंड आई रियली लाइक वॉचिंग देम. बहुत अच्छे लगते हैं मुझे देखना. बट कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी. देन वन डे माई हस्बैंड एनकरेज्ड मी कि करो, बट एक दिन में मैंने स्टार्ट नहीं किया. आई वॉज वेरी नर्वस, कैमरे के सामने आने में मुझे डर लग रहा था. तो उन्होंने बोला कि कैमरे के पीछे से कुछ बनाना कोशिश करो इस तरीके से. फिर मेरी बेटी जब डे केयर में जाने लगी, स्टार्टिंग में वो सिर्फ हफ्ते में 3 दिन जाती थी जब वो 2 साल की थी, तो तब तो मैं नहीं सोच रही थी यूट्यूब वगैरह का. लेकिन अब वो जो रेगुलर जाने लगी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था मेरे पास कि मैं क्या करूँ. तब मैंने सोचा कि चलिए एक कोशिश करके देखते हैं. और स्टार्टिंग में मैंने जो वीडियोस बनाए थे वो मैंने कुकिंग से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने व्लॉग बनाया. थोड़ी हिम्मत करके कैमरे के सामने थोड़ा बहुत आने की कोशिश की. वो मुझे अच्छा लगने लगा करना और मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में. जो दूसरे चैनल्स होते हैं उनको देखने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया. और आई एम वेरी लकी कि वो पसंद भी कर रहे हैं और मुझे इनकरेजमेंट मिल रहा है कि मैं इस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ. इसी तरीके से मेरा यूट्यूब स्टार्ट हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगता है करना. तो दूसरा क्वेश्चन जो मैं अपने आप ही सोच रही थी इस बात का, मतलब इस सवाल का जवाब दूँ, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इंग्लिश में वीडियो बना. स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाना शुरू किया था और फिर एक दिन अचानक से मैंने एक हिंदी में वीडियो बनाई और उसके बाद मेरे उस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज़ आए. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं लोग हिंदी वीडियोस देखना पसंद कर रहे हैं हिंदी में, तो मैंने हिंदी में वीडियोस बनाना शुरू कर दिया. और उस टाइम पे जब मैंने इंग्लिश में वीडियोस बना रही थी तो इस तरह के कमेंट आ रहे थे कि आप इंडियन हैं और आप अपनी इंग्लिश जानबूझकर शो ऑफ कर रहे हैं. तो नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा था. देखिए, मुझे 2 लैंग्वेज ही आती हैं, हिंदी और इंग्लिश. तो शुरू में मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाए थे और अब मैं हिंदी में बनाती हूँ. लेकिन बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कमेंट्स में बोलते हैं इंग्लिश में वीडियोस बनाएं, तो फ्यूचर में मैं इंग्लिश में वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी. और मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ, बहुत टाइम से सबटाइटल्स इंग्लिश में डालूँ, जिससे कि जो लोगों को हिंदी समझने में थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो वो सबटाइटल्स से उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी. तो ये है मेरी बेटी आरवी, जिसको आप बहुत सारे वीडियोस में देखते हो. आई थिंक शी इज़ द स्टार ऑफ माय चैनल. मतलब अगर किसी वीडियो में ये नहीं होती है तो फिर सब मुझसे पूछते हैं कि वी मिस्ड हर. और देखो, आपने अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए. हाँ, तो से हाय. हाय. लुक देयर एंड से हाय. से हाय टू एवरीवन. सो मेनी पीपल आर वॉचिंग यू. यस. ओके, तो एवरीवन वांट्स टू नो दैट इफ यू आर वेल. यस. आर यू ओके नाउ? Do you feel sick or you're healthy? No, healthy. Yeah, she's healthy now. You drink milk? Yeah. She loves drinking milk. She's a strong girl, right? And you take medicines on time? Yes. She takes medicines on time. And can you give flying kiss to everyone, please? That's quick. Thank you, Arvi. And can you tell, do you love mommy? Yeah. You love mommy and daddy? Okay, you love mommy more, right?
She loves both of us. Of course. Yeah, we love both. Yeah. And Mama. Mommy, I'm on TV. You want TV? No. No, she's not getting TV. No, baby. Okay, you can go do drawing, you can do painting, you can play, right? She's not happy. Actually, अभी कुछ दिनों से मैंने उसे ज़्यादा टीवी दिखाया जब इसकी तबीयत ख़राब थी. Oh, look at her face. Yeah, I get you. But अभी इस चीज़ का असर नहीं होने वाला. No, no, no. मैंने Santa Claus को भी देखा था. And I think that's enough for today. अब सबको bye बोल दो. Say bye to everyone. Bye bye. I love you. I love you. I miss you. I miss you. And can you give flying kiss now? Yeah, that's good. Bye bye. Bye bye. Wait for TV again. आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं पूरे दिन जब भी कमेंट्स आते हैं ना उनको देखती हूँ. कई बार तो मैं बहुत सारे कमेंट्स को दोबारा पढ़ती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है. जब आप एक हाउसवाइफ होते हैं तो आप का एक तरह से सोशल नेटवर्क बहुत कम हो जाता है. तो वो चीज़ थोड़ी कहीं ना कहीं अजीब लगती है, बट इतनी भी नहीं. लेकिन हाँ, जैसे एक होता है ना कि जब आप वर्किंग होते हैं तो आपको कई जगह से अप्रिशिएशन मिलता है. बट बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, आई थिंक ये एक बहुत ही ज़्यादा थैंकलेस जॉब है. आप चाहते भी नहीं है कि कोई आपको थैंक यू कहे जो आप काम करते हैं उसके लिए. लेकिन वो अप्रिशिएशन जो है, जो एक वर्क में मिलता है, वो नहीं मिलता. तो जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, तो जब आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम बीइंग अप्रिशिएटेड. और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है. और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए कुछ करने का और नए वीडियोस बनाने का. मैं थोड़े एक्सपेरिमेंट्स भी करना चाहती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से कुछ डिफरेंट वीडियोस भी मैं लाऊं. और आप एक और काम कर सकते हैं कि आप मुझे खुद सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं. क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, ये आपका भी है. जो आप देखना चाहते हैं मैं वही बनाऊंगी. अगर मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊं जो आपको पसंद ही नहीं है या आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते, तो उस चीज़ में कोई फ़ायदा नहीं है. जैसा मैंने बोला कि और कुछ आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो में नीचे की कमेंट्स में आप मुझे अपने क्वेश्चंस लिखें. इस वीडियो के नीचे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उन्हीं का आंसर करूंगी. और साथ में प्लीज़ अपना नाम ज़रूर बताएं. और बहुत जल्दी ही मैं वो वाला वीडियो Q&A वीडियो में ज़रूर अपलोड करूंगी. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. एंड कमेंट ज़रूर करिएगा. आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है. बेस्ट पार्ट है आपके कमेंट्स पढ़ना. तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें. अगर आपको कोई चीज़ गलत भी लगती है तो भी आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं. एक हेल्दी क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट के लिए. और मुझे अच्छा लगेगा, मैं अपनी गलतियाँ सुधारने की कोशिश करूँगी. अगर मुझ में कुछ कमियाँ आपको लगती हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपने आप में सुधार कर सकूँ. क्योंकि सुधार की तो गुंजाइश हमेशा रहती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. एंड मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. बाय. Thank you.